नमस्ते, मैं माया देवी माँ की पाकशाला में आप सभी को स्वागत है। आज नई रेसिपी लेकर आई हूँ बैंगन के भरता। तो जो मैं तरीके से बैंगन के भरता बनाऊँगी वो ध्यानपूर्वक देखें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। भरता बनाने के लिए मुझे चाहिए बैंगन, जो कि हमने हाफ के जी बैंगन ले लिए हैं। एक छोटा एक बड़ा दो बैंगन है। इसके लिए चाहिए मुझे सरसों का तेल, जो कि मैंने ले लिए हैं। अदरक चाहिए, अदरक ले लिए हैं कद्दूकस करके। लहसुन ले लिए हैं, सूखी लाल मिर्च लिए हैं, हरी मिर्च लिए हैं, धनिया लिए हैं, प्याज लिए हैं, अजवाइन थोड़ी से लिए हैं, थोड़ी सी जीरा लिए हैं, नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए तो हम बैंगन को काट लेते हैं। सबसे पहले काट कर देख लेते हैं कि इसमें कीड़ा उड़ा नहीं है, इसलिए मुझे काटना है। तो इसको मैं काट लेती हूँ, इस तरह इसको कट लगा लेती हूँ। बैंगन मेरा फ्रेश है, इसको मैं रख लेती हूँ। इसको भी मैं कट करके देख लेती हूँ, ये भी फ्रेश है। बैंगन को कट कर लिए, अब इसमें मैं ये सरसों का तेल थोड़ा इसमें लगा लेती हूँ, इस तरह। ये सरसों का तेल लगाया इसलिए लगाया जाता है कि बैंगन के छिलका अच्छी तरह ले उतर जाए। ये लाइट पे जला रही हूँ। अभी ये बैंगन जो है इसको मैं इसमें डाल दूँगी। इसको बैंगन को पका लेती हूँ। पहले एक बैंगन पकाऊँगी तो फिर दूसरा बैंगन पकाऊँगी। ये बैंगन आधा पक चुका है, अभी पूरी तरह से नहीं पका है। मैं इसको पलटने जा रही हूँ। बैंगन पकता थे इसकी खुशबू बहुत सुंदर थी, इसकी खुशबू आने लगा धीरे धीरे करके, इसका खुशबू आ रहा है। इसको मैं पलट देती हूँ। मैंने बैंगन को पलट दिया, सलाद पलट करके मैं पका लूँगी। बैंगन मेरा पक चुका है, इसको मैं निकाल लेती हूँ, थाल में रख लेती हूँ। मैं दूसरा बैंगन भी डाल देती हूँ, इसी तरह दूसरा बैंगन का भी मैं पका लूँगी। दूसरा बैंगन भी हमने भून लिया, गैस को मैं बंद कर देती हूँ। इसको भी निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया मेरा बैंगन भून गया। अब इसको मैं छिलका को उतार लेती हूँ, बहुत प्यार से निकाल लेती हूँ। धीरे धीरे मैं करके सारे बैंगन का छिलका निकाल लेती हूँ। ये जो थोड़ी सा बैंगन का छिलका रह जाता है तो बैंगन को मेरा जो भरता है काला पड़ जाता है, इसलिए आस्ते आस्ते मैं निकाल लेती हूँ सारे छिलके को। ये देखिए मैं बैंगन का छिलका को सब उतार रही हूँ। बैंगन का छिलका को मैं इसी तरह निकाल लूँगी सारे छिलके को। ये देखिए अभी बैंगन को मसल लेती हूँ। ये कटोरी के सहारे से मैं मसल लूँगी इसे, इस तरह। बैंगन बहुत अच्छा पक चुका है मेरा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और तब इसी तरह आप बनाएं। इस तरह बनाइएगा तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। बैंगन को मसल लिया हमने, अब इसको मैं कढ़ाई को चढ़ा रही हूँ। फिर गैस को जला लेती हूँ, तब कढ़ाई को चढ़ा देती हूँ। कढ़ाई थोड़ी गर्म होने तक मैं थोड़ा रुकती हूँ। अब मैं तेल डालती हूँ। मैंने 50 ग्राम तेल लिए हैं। मैं जीरा को डाल देती हूँ इसमें। जीरा को छिटकने दे रही हूँ मैं। मैं मिर्ची को भी डाल रही हूँ, खड़ी मिर्ची। लहसुन को भी मैंने डाल दिया है, उसको भी मैं चला लेती हूँ। अब अदरक को भी मैं डाल देती हूँ इसे। अब मैं डालूंगी ये बैंगन। अब डालते हैं बैंगन। अजवाइन को भी मैं डाल देती हूँ। ये अजवाइन हाजमा के लिए अच्छा होता है। बैंगन जो होता है बाई होता है, इसलिए इसमें अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं चला देती हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं चलाती रहूँगी इसको।
अब मैं डालूंगी नमक, नमक स्वाद अनुसार। ये 10 मिनट तक इसको धीमी आंच पर मैं पकाऊंगी, 10 मिनट तक पकाना जरूरी है इसको कि इसमें जो पानी रहता है वो बिल्कुल सूख जाए। इसको बनाकर रख दीजिएगा तो 3-4 दिन खराब नहीं हो सकता है। अब मेरा ये चोखा तैयार हो गया। अब इसमें ये जो हरी धनिया मैं काट कर रखी हूँ इसको भी मैं मिला लेती हूँ। अब इसको मैं निकाल ले रही हूँ, कढ़ाई से निकाल ले रही हूँ। ये देखिए ये मेरा बैंगन का भरता बनकर तैयार हो गया। अब इसको रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, इसको 4-5 दिन तक रख सकती हैं, आराम से इसको खाइए। तब तक के लिए नई वीडियो के साथ मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।